दिल्ली का हाल अगर हम बात करें तो वहां भी विस्फोटक जैसी ही स्थिति है, और वहां की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो एक दिन पहले 13,448 नए मामले सामने थे, जबकि रिकॉर्ड 81 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना का डर दिलो दिमाग पर हावी है। कोरोना ने जिन दिल्ली वालों के जिस्म में पैठ बना ली वो अस्पताल के चक्कर काट रही हैं। लेकिन बेड से लेकर दवा, डॉक्टर सब हाँफ और कांप रहे हैं। बोला साया टोकन बांट करके 100, बोला 100 टोकन कितना हो, पूरा हो गया, भगा दिया सबको। दिल्ली में एक तरह से कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति है। एक दिन पहले तक 13,468 नए केस सामने आए, जबकि रिकॉर्ड 81 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में इन्फेक्शन रेट 13% के पार है। 3 दिसंबर के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गयी। सिर्फ 4 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच संक्रमितों की तादाद में 77,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 4 दिनों से लगातार केस बढ़ रहे हैं। 4 दिन पहले 7,800 थे, जबकि कल 13,000 से ज्यादा केस आए। 13,500 केसेस काफी ज्यादा हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। यानी हालात संभल नहीं रहे और जिंदगी और मौत के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। अस्पतालों में जिंदगी की सांस टूटने के बाद अंतिम संस्कार बाइज्जत होने की आस के साथ शमशान घाटों पर भीड़ है, लेकिन यहां भी वेटिंग है। कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इस बीच कोरोना मरीजों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। आसानी से अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने निजी अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया। बैंकेट हॉल से लेकर होटल तक में इलाज के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना इस कदर फैल चुका है कि सांसों का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली से पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल हमारे साथ लगातार जुड़े। कुणाल, बढ़ते केसेस के बीच सबसे बड़ा चैलेंज जो खास तौर पर दिल्ली के लिए होगा वो होगा पहली बात बेड्स और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर्स। किस तरह के इंतजाम हालात है दिल्ली में? अभी थोड़ी देर पहले नवजोत हमारी बात हुई है स्वास्थ्य मंत्री से, सत्येंद्र जैन से, और उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि बिस्तरों की दिक्कत है, ये उन्होंने माना, लेकिन कह रहे हैं कि अब 13,000 बेड लगभग हमने इनका इंतजाम कर लिया है और शाम तक उतने बेड मुहैया हो जाएंगे। जहां तक बात है, हमने ये भी पूछा कि पिछली बार रेलवे बॉकीज में इंतजाम किए गए थे, तो उनका कहना है कि इस तरीके के इंतजाम की जरूरत नहीं है। खासतौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल और बाकी तमाम हॉस्पिटलों को कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है उससे काम चल जाएगा, लेकिन मुश्किल यह है कि 13,500 हम बात मुंबई की कर रहे हैं तो उससे लगभग दोगुना संख्या आ रही है दिल्ली में, और अभी वो रुकता हुआ सिलसिला दिख नहीं रहा है। ये एक मुश्किल है और ये सरकार भी मान रही है कि जो नंबर है, पहले क्या होता था 7 या 8 हजार मामले आते थे, अगले दिन थोड़े कम हो जाते थे, लेकिन इस बार 20% बिल्कुल तुलना में लगभग बढ़ोतरी जारी है, और ये जो दिक्कत सरकार के सामने भी है और लोगों के सामने। कुणाल रही है हमारे साथ, क्योंकि अगर महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें तो इसके बाद अगर सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा देखा गया है तो वो है उत्तर प्रदेश से। जरा वहां की रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे सहयोगी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। यूपी में न आम शख्स कोरोना के कहर से बचा और न सत्ता के बड़े बड़े नाम। वायरस ने सबको ऐसा चपेट में लिया है कि लखनऊ से लेकर हर बड़े शहर तक हाहाकार मच गया। 24 घंटे में 18,000 तक नए केस ने सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। खुद स्वास्थ्य मंत्री पहले ही समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। एक दिन पहले कोरोना के नए मामलों में यूपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18,021 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अकेले लखनऊ में 5,300 से ज्यादा नए केस मिले। प्रयागराज में 1,800 से ज्यादा केस मिले। जरा पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए। 10 अप्रैल को 12,787 केस, 11 अप्रैल को 15,353 केस, 12 अप्रैल को 13,685 केस और अब 18,021 नए केस। उधर कुछ बड़े अफसरों के कोरोना की चपेट में आने के बाद से सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना के पंजे में फंस गए हैं। ट्वीट करके सेहत का हाल उन्होंने बता दिया। सवाल ये है कि एक साल पहले भी हालात यही थे,
क्यों सरकारों ने तैयारी नहीं की, क्यों अस्पतालों से लेकर शमशान तक गम और दर्द का तूफान है। ये लखनऊ का सबसे व्यस्त चौराहा है, लेकिन सुबह के ऑफिस दफ्तर जाने के टाइम पर भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोगों के भीतर अब डर बैठ गया है कि दूसरी वेव कितनी खतरनाक है। अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान घाट में लाशें दफनाने के लिए वेटिंग है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए अगर कब्र खुदवाने जाइए तो वहां पर भी घंटों इंतजार करने के बाद आपको मौका मिलेगा, इतने भयावह हालात हैं। यूपी ने पहली लहर का भरपूर मुकाबला किया तो नई लहर का कहर सूबे को रुला रहा है। खुद सीएम ने मीटिंग पर मीटिंग कर सख्त पाबंदी लगाई, लेकिन कोरोना का ब्रेक फेल है। आज तक ब्यूरो।